मैंने एक को इमली ली है, उसको मैंने खोल के वो आपस में चिमटी होती है ना, तो मैंने पानी में भिगो दी है। तो ये अभी तकरीबन एक घंटा भी गिरेगी, उसके बाद फिर मैं इसको पकाऊंगा। इमली के लिए मैंने एक चम्मच ऑयल डाला है, उसमें मैं डालूँ अभी एक चम्मच ज़ीरा मैंने डाल दिया है, और उसके बाद जनाब मैंने एक चम्मच मैंने डाल दिया इसमें ओनियन सीड्स का। थोड़ा सा हम लोग फ्राई कर लेंगे, ये फ्राई हो गया, तो इसमें अभी मैं डालूंगा जो इमली की चटनी मैंने भिगोई थी ना, तो उसको एक घंटा तकरीबन हो गया, अभी इसको मैं इसके अंदर डाल दूँगा। ये देखो जी, ये इसके अंदर डाल दिए। इसमें तकरीबन हम लोग डालेंगे 1.5 लीटर वाटर, और उसके बाद इसको पकने के लिए रख देंगे हम लोग तकरीबन समझ लें कि एक घंटा ये पकेगी आस्ता आस्ता। इसमें मैंने ये एक स्टिक डाली है दालचीनी की, और 6-7 मैंने डाल दी है इसमें वो काली मिर्च साबुत। इमली जो है ना पका ली है, अभी इसको मैं ज़िप करूँगा। अब इसमें से पानी नीचे चला गया अभी, और ये मैं इसको कर रहा हूँ अच्छी तरह, जो इसमें है ना गिटके शिटके वो सारे निकाल दूंगा, और इसको फिर दोबारा हम लोग पकाते हैं चीनी डाल के। सूप निकाल लिया इमली का, इसमें अभी पाव हमारी इमली थी, तो आधा किलो इसमें मैं चीनी डालूंगा और इसको अच्छी तरह पकाऊंगा। एक चम्मच मैंने इसमें नमक डाला और एक चम्मच आधा चम्मच काली मिर्च का। ये चटनी है मैंने अच्छी तरह इसको बॉयल कर लिया है, तो ये अभी इसको ना हम लोग कॉर्नफ्लोर पाउडर डाल के इसको गाढ़ा करेंगे। ये देखें, आप अपने हिसाब से जितना गाढ़ा करना है आप कर सकते हो, कम ज़्यादा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये पक गई है, ये देखें जैसे ये कढ़ाई है ना इस तरह की हो जाएगी, तो समझ लीजिए पक गई है। तो इसके अंदर मैंने कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला, इसका नेचुरल कलर ही है। अगर आप इसमें कलर डालना चाहते हो तो कलर डाल सकते हैं, फूड कलर ले लें, रेड कलर का डाल लें थोड़ा सा, उससे कलर चेंज हो जाएगा। इतनी मैंने बनाई थी, अभी ये ठंडी होगी, इसको मैं ना बोतल में इसको डाल रहा हूँ। मैं ये एक मैंने जार लिया है, पुराना जार मेरे पास पड़ा हुआ था, उसका कोई मैं घर में कोई चीज़ लेके आए होंगे। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर, नेचुरल कलर है इसका। तो इसको बोतल में डाल दिया मैंने, इसको ढक्कन तक रख दे के हम लोग रख लेते हैं। कैसा ज़बरदस्त है कलर वगैरह, टेस्ट भी इसका बहुत ज़बरदस्त है। आप भी घर पर बनाएँ और रमज़ान के लिए बना के इसको रख लें, रमज़ान में आपके बहुत काम आएंगी बहुत सारी चीज़ों में। कैसा ज़बरदस्त है कलर वगैरह, टेस्ट भी इसका बहुत ज़बरदस्त है। आप भी घर पर बनाएँ और रमज़ान के लिए बना के इसको रख लें, रमज़ान में आपके बहुत काम आएंगी बहुत सारी चीज़ों में ये इस्तेमाल होती है। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें।